आज हम फिरोज गांधी नगर विजयनगर कॉलोनी डिवीजन नामपल्ली हलका, आज जो भी राशन डिस्ट्रीब्यूशन है या आप उसको एसेंशियल गुड्स बोलिए, ये जो भी प्रोग्राम है, हमारे सरगरम कारकुन ग्रेटर हैदराबाद वाइस प्रेसिडेंट उस्मान खान के तरफ से है। और मैं कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। हमारे उस्मान खान, लॉकडाउन स्टार्ट हुए जब से, आज को 62-63 डेज हो रहे हैं। ये एक ऐसा बंदा है जिसके पास ईमान की हरारत है, गरीब और मजलूम करने का एक जज्बा है। 62-63 डेज से जहाँ तक मैं जानता हूँ, 5,000 से बढ़ के वेजिटेबल पैकेट्स, जिसमें 5 किलो वज़न, आप ग्रेटर हैदराबाद में हर जगह आप ये पैकेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करें। आप माइग्रेंट वर्कर्स बोलता हूँ, मजदूर, आप टीवी के हर चैनल में देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा परेशान मजदूर है। ऐसे मजदूरों को तलाश करते हुए हमारे उस्मान खान ये 2 महीने के अंदर 40,000 के ऊपर खाने के कवर्स बनाए। और मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूँ। सुबह शाम जहाँ से भी फोन आता हमारे गांधी भवन को, हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट फोन करते, हमारे कांग्रेस के इंचार्ज कुंटिया जी फोन करते, कांग्रेस के कई सीनियर लीडर्स फोन करते और इमीडिएटली फोन उस्मान खान को जाता। और उस्मान खान कांग्रेस के परचम को ऊंचा रखने के लिए हर जगह सिर्फ आधा घंटा और 1 घंटा में पहुंच जाते। ऐसा बेहतरीन काम, और क्रॉनिक डिजीजेस जिसको हार्ट, लीवर, किडनी, कैंसर का प्रॉब्लम है, ऐसे एक कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों को आप मेडिसिन दिलाए। और जब मैं पूछा उस्मान खान, आज ईद हो रही, आज ईद का चांद दिख जाएगा इंशाल्लाह, और लॉकडाउन COVID-19 से आज हमारा मुकाबला है। किसका मुकाबला है? इंसान का, इंसानियत का मुकाबला COVID-19 और कोरोना वायरस से। ऐसे मुकाबले में गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्टेट गवर्नमेंट, और जो आवाम है भूखी है, मर रही नहीं। इसका मेन कारण या रीज़न है उस्मान खान के वैसे लोग जो बेलोस, गली ना मौला ना चेहरा ना रंग ना मज़हब बगैर देखे के एक ऐसी बेलोस सर्विस कर रही, जिसके लिए फिरोज खान उनको सलाम करता। जय हिंद, शुक्रिया।